सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रेजेंसी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो इससे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पूजा पाठ किए नवमी वाले दिन, जैसे विधि विधान से करते हैं उस तरीके से, और जो जो चढ़ता है माँ को वो चढ़ाएं। उसके बाद मंदिर गए, मंदिर में हवन हुआ, आरती हुआ, सब कुछ हुआ, पुष्पांजलि हुआ, फिर घर पे आके भोग लगाए, पूड़ी खीर और हलवा ये सब का। फिर माताजी के सामने आंसू निकला, वो रोए, बहुत सारा रोए। उसके बाद हवन किए जाके मंदिर में। तो उसके बाद क्या हुआ वो देखिए आगे ब्लॉग में। सो गाइज, हवन के बाद यहाँ आरती हुआ, जयकारा लगा, और यहाँ पे आरती लेने जाना था। और यहाँ मतलब बहुत 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 भीड़ था आज, बहुत सारा। आज थोड़ा सा साथ में हम बरखा को लेके आ गए थे ताकि मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, मेरे साथ रहेंगी, बातें करती रहेंगी और थोड़ा बहुत वीडियोस भी बना लेती हैं। लेकिन वीडियोस बनाने के लिए नहीं बुलाए थे क्योंकि मंदिर में वीडियोस मेरे बन जाते हैं। फिर ये देखिए प्यारी सी बच्ची, बहुत ही खूबसूरत सी। तो एक लेडी थी, वो मेरे को ही मम्मी समझ ली इस बच्ची की, क्योंकि इनकी मम्मी भी मेरे तरह ही दुबली पतली हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो वहीं हम इनसे बोल रहे थे कि मेरी बेटी समझ के मेरे को दे रही थी वो। यहाँ पे फिर आरती लिए और मेरी दुर्गा माँ क्या बोले, एकदम मंदिर सुना सुना हो गया है सच में। अब एकदम जाने पे अजीब सा लग रहा है। यहाँ आशीर्वाद लिए दुर्गा माँ का, और ये जो 9-10 दिन का जो चहक रहता है ना, लगता है कि एकदम पूरा अंगना जो होता है ना, आंगन जो होता है हमारे घर का ना, चहक उठता है, वो सब सूना पड़ गया है। तो बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर यहाँ पे तुरंत से खिलाना था सबको, जितने भी लोग मतलब कन्या पूजन जो होता है वो करना था। तो यहाँ पे हम और माँ कुछ बात कर रहे थे, हम लोग याद नहीं है क्या कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे थे, देखिए हाथ मेरे आलता है वो लगाने के लिए जा रहे थे। तो चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक और इन्जॉय करिए गाइज।
यहाँ मंदिर में ही हम लोग कन्या पूजन कर रहे थे। घर पे मन था लेकिन इस बार घर पे हम लोग नहीं कराएं, क्योंकि आपको वजह तो पता होगा कि क्यों नहीं हम लोग कराएं। तो इसलिए सोचे कोई बात नहीं, दुर्गा माँ अगले साल आएंगी तो हम लोग घर पे धूमधाम से करेंगे, और इस साल सोचे कि मंदिर में ही कर लेते हैं। और देख सकते हैं मंदिर में कितना ज़्यादा भीड़ लग जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं और कन्याएँ भी बहुत सारी हो जाती हैं, भैरव बाबा भी बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ सब लोग मिल के हम लोग कर रहे थे, सब लोग खिला रहे थे। और यहाँ पे हम पैर कलर करने के बाद फिर गए थे ले आने पूड़िया, फिर पूड़ी दिए थे हम कहाँ हैं अभी दिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं हम, दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? नहीं, यहाँ आ गए हम पूड़ी देने के लिए। तो चलिए देखिए, है टूट ये नाता शेरावालिए, शेरावालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, बहरा वालिए माँ, युथा वालिए माँ। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है, तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि तूने सांस तूने ज्ञान दिया, मस्तक ऊंचा करके जीने के वरदान दिया माँ। तुझे भाग्य विधाता मैं बालक तू माता शेरावालिए, मैं भाग्य विधाता मैं बालक तू माता शेरावालिए, मैं बालक तू माता शेरा वाली है। जब से दो नैनों में तेरी पावन जोत समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा, इस दिन करे जो तेरी सेवा मैं वो दास तेरा, रहु तेरे गुण गाता मैं बालक तू माता शेरा वाली है, मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूट ये नाता शेरा वाली है, शेरा वाली माँ। तो यहाँ पे जितनी भी देवी लोग थी उनके लिए हम हेयर बैंड लेके आए थे, क्योंकि ऐसा कुछ देने का मन करता है ना जो यूज़फुल हो और यूज़ करे वो लोग तो अच्छा लगता है, और जब हम घर पे करेंगे तब तो बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी यहाँ पे समझ ही नहीं आता है कितना क्या लेके जाएं, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारा चीज़ ले कर आते हैं, तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है सारी देवी जी लोग के पास। तो यहाँ पर सबको हम हेयर बैंड पहनाएं, और हर एक कलर का लेके आए थे, और एक देवी जी को तो दूसरा कलर पसंद था, तो पहनाने के बाद बोली कि मेरे को वो वाला कलर दे दीजिए, तो फिर हम उनको वो कलर दे दिए थे।
सबसे ज़्यादा ख़राब पता है क्या लगता है कि देवी जी लोग ज़्यादा हो जाती हैं और सामान कम पड़ जाता है। हम 9 या 10 ही खरीदे थे क्योंकि 9 देवियों का पूजा किया जाता है और यहाँ पे ज़्यादा थी लोग, तो बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि सारी बच्ची लोग हैं। तो यहाँ पे सब लोग देखिए अपने हिसाब से जो जो मन था वो लेके आ रही थी, और हम यहाँ पे उनको बोल रहे थे कि अच्छा है पर्स लेके आई हैं ताकि वो लोग पैसा रख सके, तो वहीं हम लोग हंस रहे थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम सब लोग आशीर्वाद लिए। शेरा वाली है टूट ये नाता, शेरा वाली है, शेरा वाली है माँ, पहाड़ा वाली है माँ, बहरा वाली है माँ, जूता वाली है माँ। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है, तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि तूने सांस तूने ज्ञान दिया, मस्तक ऊंचा करके जीने के वरदान दिया माँ। तू है भाग्य विधाता, मैं बालक तू माता, शेरा वाली है। मैं भाग्य विधाता, मैं बालक तू माता, शेरा वाली है। मैं बालक तू माता, शेरा वाली है। जब से दो नैनों में तेरी पावन जोत समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा, इस दिन करे जो तेरी सेवा मैं वो दास तेरा। रहू तेरे गुण गाता, मैं बालक तू माता, शेरा वाली है। मैं बालक तू माता, शेरा वाली है, टूट ये नाता, शेरा वाली है, शेरा वाली माँ। फिर यहाँ पे सबका आशीर्वाद लिए और फिर हम लोग घर चले गए थे। काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, 12:30 बज गया था जाने में। सो गाइस, हो गया सब कुछ, पूजा पाठ और कन्या पूजन सब कुछ हो गया, और अभी आ गए थे 1-2 फ़ोटोज़ लेने, नहीं तो हम भूल जाते। अभी जा रहे थे चेंज करने कपड़ा क्योंकि सुबह से पहने हुए हैं, तो याद आया कि ब्लॉग एंड भी कर देंगे और फ़ोटोज़ भी इस लुक पे नहीं लिए हैं वो भी ले लेंगे। बाकी चूड़ी इस तरीके से पहने हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा गाइस। और मेरा साड़ी देख सकते हैं, और मेरा पैर ऐसे। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। और ब्लाउज़ देखिएगा, इस छोटा सा सिलवाया है इस बार बाजू, और गला आप लोग सोच रहे होंगे हम गला इस तरीके से हम करवाए थे वी नेक, वो भूल के ऐसा फिर से कर दी हैं क्योंकि उनको आदत हो गया होगा सेम सिलने का, तो अब क्या ही कर सकते हैं। इसमें अब मेरा कोई गलती नहीं है क्योंकि हम तो चेंज करवाए ही, बट नहीं हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे, जय माता दी।